This is Dr. Shruti Parekh, physiotherapist working in Advanced Knee and Shoulder Hospital, run by renowned arthroscopic surgeon Dr. Prathamesh Jain in Ahmedabad. Friends, आज हम रिव्यू देने जाने वाले हैं बालाराम माली जी का, जो हमारे साथ मैसूर से हैं. चार साल पहले इन्होंने शोल्डर की रोटेटर कफ इंजरी के लिए रिपेयर करवाया था, यहाँ पे आर्थ्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट लिया था. तो वॉट इज रोटेटर कफ इंजरी? शोल्डर में, कंधे में जो मेन चार स्नायु होते हैं, उसमें से किसी भी एक स्नायु, दो स्नायु का टेयर हो जाता है, जो फट जाते हैं, और उनको आर्थ्रोस्कोपिकली उनमें टांके लेके रिपेयर करते हैं. तो वालाराम जी, आपको ये हुआ था कैसे? मैं गिर गया था नीचे, फिसल के गिर गए थे. और फिर आपने MRI करवाए? मैंने MRI करवाया, एक नहीं, 6 MRI कराया. मैसूर में 3 करवाया, बेंगलोर में 3 करवाया, सूरत में 1 करवाया. लेकिन उसका इलाज उधर नहीं पाया. किसी ने मेरे को उसकी जड़ नहीं दी कि उस आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा. राइट. तो यहाँ पे एक बात नोट करने जैसी है कि पहले तो जब हम गिरते हैं तो जनरली पेशेंट्स एक्सरे करवाते हैं. अगर एक्सरे में कोई फ्रैक्चर नहीं निकलता है तो पेशेंट्स को लगता है कि ओके, सब ठीक चल रहा है, मैं ये चलाता हूँ. जबकि जो फटे हुए मसल्स होते हैं उनके MRI करवाने पड़ते हैं, और जब तक MRI नहीं होता है तब तक वो टेयर ज्यादा फटने के चांसेस रहते हैं. तो ऑलवेज व्हेन एक्सरे में आपको फ्रैक्चर वगैरह नहीं दिख रहा है और आपको फिर भी पेन हो रहा है, तो यू हैव टू गेट एन MRI डन. आपको MRI करवाने की जरूरत पड़ती है. फिर क्या किया आपने? मैंने MRI करवाया और हमारा साला इधर रहता है, उसने बोला आप इधर आ जाओ मैसूर से. हम एक एडवांस हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब प्रति में है जैन जी, उनसे आपको बताएंगे. अगर वो कैसे बोलेंगे वैसे उसका आपको ट्रीटमेंट चालू करेंगे. अगर आपका जो बोलेंगे सही हुआ तो ऑपरेशन बोला तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा. तो इधर जब दिवाली के टाइम में सब छुट्टी रहती है तो मैं दीपावली के दूसरे दिन भी आ गया था. तो डॉक्टर साहब जी मिले और हम इधर आके ऑपरेशन करवाए और बहुत अच्छी तरह से हमारा ऑपरेशन हुआ और सक्सेसफुल हुआ और हम बहुत एक्टिवेट है अभी. आज उसके बारे में कोई टेंशन नहीं है, हमारा काम वगैरह चल रहा है. एक बार हाथ की मूवमेंट करके दिखा दीजिए, क्या बात है. और आपको ज्यादा हैवी एक्टिविटीज करनी रहती है तो आराम से हो जाती है, दिक्कत नहीं पड़ती? नहीं, दिक्कत अभी तो कोई नहीं. मतलब आप बिल्कुल भूल गए हो कि 4 साल पहले आपने कोई सर्जरी करवाई है? हाँ, नहीं, हाँ. मैं याद है, डॉक्टर साहब याद है. किसी का, किसी आदमी का दर्द हम देखता है तो मैं आपको एड्रेस देते हैं, वहाँ पे जाइए, हमारा ऑपरेशन ठीक हुआ, अच्छा हुआ. और 10-20 जगह मैंने एड्रेस दिया हुआ भी है. और ये दो तीसरा ही ऑपरेशन करवा दिया है हमारे कहने से. क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू वेरी मच वालाराम जी. अभी करवाया भरत माली ने, देखो. हाँ, रिसेंटली. अभी भी 7 दिन में 15 दिन होएगा. जी. 7 दिन पहले 15 दिन हो जाएगा, 17 तारीख को 15 दिन. तो करते क्या हो वालाराम जी? हम तो मैसूर में छोटा बिजनेस है हमारा, रिटेल शॉप है. अच्छा, वेरी गुड. तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इनको रोटेटर कफ टेयर हुआ था और आज 4 साल के बाद इनकी रिकवरी, इनका कॉन्फिडेंस, एक्टिविटीज रिज्यूम करने की स्टेबिलिटी, शोल्डर में एवरीथिंग यू कैन सी. और आप देख सकते हैं कि इनके कितना रिकवरी है और आज ये कितने खुश है ऑपरेशन के बाद, 4 साल के बाद. सो फ्रेंड्स, वी होप टू डिलीवर दिस काइंड ऑफ सर्विसेज थ्रू आउट आवर लाइफ. थैंक यू.